हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू क्रैक रेडवी टू न सेशन ऑफ वी आई वी सो टूड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स ऑफ जनवरी जस्ट फर्स्ट टेल मी माई वॉइस इज ऑडिबल नॉट देन वी विल स्टार्ट ओके एंड इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑफ यू गाइज ठीक है मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना रिवाइज करते हैं क्लास के बाद तो so, अभी हम क्लास से पहले अब हम क्या करेंगे कि पहले हम कुछ एम सॉल्व करेंगे पिछले जो हमने क्लासेस में पढ़ा है उससे रिलेटेड ठीक है इसी बहाने आपका छोटा सा एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपका एक रिविजन भी हो जाएगा ठीक है देन वी विल स्टार्ट द आई बी सेशन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स ऑफ जनवरी ठीक है जस्ट फर्स्ट टेल मी माई वॉइस इज ऑडेबल नॉट देन वी विल स्टार्ट ओके इतने सारे बच्चे हैं प्लीज टेल मी माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट देन वी विल स्टार्ट ओके प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास ठीक है पहले आपको आंसर्स बताने उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ठीक है गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लेट्स डिस्कस सो द फर्स्ट

नोस ये लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको ओके सो दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिमेंबर दिस थिंग ठीक है कैसे हमें पता लगा बिकॉज इस स्कीम में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री ठीक है दर इज वेरी गुड वेरी गुड So just tell me what is the answer, then I will discuss the answer of this question. I am giving you 10 seconds. Please read the statements carefully and then tell me the answer in the comment box. Okay. And please be super active in the class, okay? ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेबर द दैट इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कीम वाज़ टू इन 2020 2020 क्या सही है ये स्टेटमेंट या गलत है प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ठीक है तो दिस

देखिए आपने यहां गलती कर दी कैसे यस दिस फैक्ट इज एप्सोलिटली करेक्ट दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द्री परसेंट ऑफ इंटरेस्ट एवेंशन टू एलिजिबल बेनिफिशरीज बट नॉट फॉर द पीरियड ऑफ टेन ईयर्स बट फॉर अ पीरियड ऑफ एट ईयर ठीक है एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन करेक्ट लास्ट स्टेटमेंट से इज द मॉडिटोरियम पीरियड फॉर लोन इज टू ईर्स क्या ये स्टेटमेंट ठीक है ये दिस स्टेटमेंट इज एप्सोल्यूटली राइट द लोन पीरियड इज ऑफ एट ईयर्स and 2 years is moratorium period so the answer will be option B only 2 3 4 is incorrect statement okay let's discuss the second question I am giving you 10 seconds just first tell me this this paragraph is talking about which scheme which scheme of Government of India just read this paragraph in 10 seconds and then tell me okay देखिए यहां पे आके मैं ये एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगी उनका कोई फायदा नहीं है आपको सॉल्व करना है क्योंकि मैं आपका रिवीजन करवाना चाह रही हूं ठीक है मुझे अपना रिवीजन तो करना नहीं है मैं तो करके आई हूं तो आप मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये स्कीम कौन सी है ठीक है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्टली लिखा रहेगा कि ये स्कीम ये है इसके बताओ ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है एट द टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैराग्राफ मतलब कि वहां पे जो भी पैराग्राफ लिखा है यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट Uh, the, the examiner is talking about which paragraph, ठीक है? So आपको उसी time decide करना होगा और उसी time पहचानना होगा। So ये इसलिए हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे। Yes, very good किरदार। National Green Hydrogen Mission। So this state, this, 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 this paragraph is, this question is also, also asking you to identify the incorrect statements, theek hai So let's discuss. The first statement says, this scheme comes under the Ministry of Power। kya ye statement sahi hai ya galat hai just tell me no this, this statement is wrong why because national green hydrogen mission comes under the ministry of ministry of new and renewable energy okay ministry of new and renewable energy okay second statement says it was launched in 2024 please tell me this statement is correct or incorrect So this statement is also incorrect because this scheme this mission was launched in 2023, okay So remember this fact that National Green Hydrogen Mission comes under the Ministry of New and Renewable Energy, okay and this was launched in 2023, okay and it will be implemented till fiscal year 2029-30. Kya this statement say Yes, this statement is absolutely right. The total outlay of this scheme is 19744 crores. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इट विल रिजल्ट इन अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सो द क्वेश्चन वॉज आस्किंग फॉर इन करेक्ट स्टेटमेंट सो इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं वन एंड टू सो द आंसर विल बी ए ओनली वन एंड टू ठीक है अगर कितने बच्चों को अभी नहीं आ रहा so okay. है सो इट्स ओके ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास से आप रिवीजन करके आइएगा क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास से हम डेली पहले हम कुछ एनसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्लास से देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगली बार से आप रिवाइज करके आएंगे तो आप भी सारे आंसर्स दे पाएंगे ठीक है अभी मैं आपको बताती हूँ सो फर्स्ट टेल मी रीड दिस पैराग्राफ एंड प्लीज टेल मी कि ये वाला पैराग्राफ कौन से स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं आई एम गिविंग यू फाइव सेकेंड्स प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स Yes, very good, Roy. This this paragraph is talking about credit guarantee for scheduled cars. Okay, this scheme. Is, now let's discuss the few statements with respect to this scheme. So, in this question, it is asking for you to identify the correct statements. Okay? so the first statement says this scheme was launched in budget 2014-15. Is this statement correct or not? Just tell me fast. Yes, this scheme was launched in budget 2014-15. So this statement is correct. Hai? It is a scheme of Ministry of Minority Affairs. I say scheme of Ministry of Minority Affairs. Kahe? No. This scheme is of Ministry of Social Justice. Hai? Remember this fact that this scheme is of Ministry of Social Justice. टोटल आउटल ऑफ दिस स्कीम इज टू हंड्रेड करोड़ रुपीज क्या ये सही है जस्ट टेलमी इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट यस द टोटल आउटलॉफ दिस स्कीम इज रूपीज टू हंड्रेड करोड तो अभी तक करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था यह करेक्ट है सेकेंड वन रॉन्ग है थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट नाउ द नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट से मैक्सिमम गारंटी कैन बी अवेल बाय बैंक इज फाइव करोड ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट से इस ंड्रेड परसेंट क्रेडिट गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर द लोन अमाउंट ऑफ फिफ्टीन लाख टू टू करोड़ क्या ये स्टेटमेंट सही है नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हंड्रेड परसेंट गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज फिफ्टीन लैख टू वन करोड़ रिमेंबर दिस फैक्ट ठीक है हंड्रेड परसेंट क्रेडिट गारंटी अंडर दिस स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर द लोन अमाउंट ऑफ फिफ्टीन लाख टू वन करोड़ रुपीज Again, this statement is also wrong. So, which are the statements? Hai? One statement is correct. Second is, third one is correct and fourth one is correct. So, so, the answer will be 1, 3. Okay, so the answer will be B. Yes, so, Kirtana told. So, Kirtana told me correct answer. Very good, Kirtana and Roy. You guys are doing very good. Okay, so, just read this paragraph and tell me. कि ये वाला पैराग्राफ कौन से स्कीम के बारे में बात करे डू इट फास्ट थोड़ा सा सेशन लेंदी हो जाएगा बट आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा किसी को पता है यह पैराग्राफ किस स्कीम के बारे में बात कर रहा है So the paragraph says, there is one self help group that wants to purchase drone to earn additional income. This self help group got to know that Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched the scheme recently specifically for women's welfare group to provide financial support to purchase drone in the country. Okay? Yes, correct Kirtana. So this scheme is Namo Drone Didi. So just now the options is this, now identify the correct statement. This woman will get what benefit from the government of India? Just tell me the answer. Okay? So, Diri drawn initiative will be implemented from 2024 25 till 2025 26. Okay? Remember this fact. This scheme will be implemented from 2024. ठीक है एंड दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ठीक है क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इसमें हम फिफ्टीन थाउजेंड वुमेन्स को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रॉन प्रोवाइड करना चाहते हैं ठीक है अब जैसे इसमें हमें बोला कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है जैसे हमने बोला कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया बिकॉज दिस स्टेटमेंट से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर द कॉस्ट ऑफ डॉन इन द रेश ऑफ सिक्स टू फॉर्टी ऐसा नहीं बिकॉज दिस स्कीम इज सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एंटायर फंडिंग फॉर दिस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट सेवर्मेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फाइव परसेंट ऐसा है क्या नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट से

So the question says the app was developed by the Ministry of Women and Child Development to track the missing and found children across the India. It is also integrated with crime and criminal tracking and network system of Ministry of Home Affairs for interoperability in terms of FIRs. And one of the component of this app is Khoya Paya. So the above paragraph is talking about which app or portal? Just tell me the answer. Very good, very good. Most of the students knows the answer. So answer is Track Child Portal. Okay. I hope. आपका थोड़ा सा रिविजन हुआ होगा इससे जस्ट टेल मी आपको थोड़ा रिविजन हुआ और आपको हेल्पफुल लगा कल से हम ऐसे ही करेंगे ठीक so, है अब आज जो न्यूज पढ़ेंगे हम उस पर कल एमसी क्यूज करेंगे सो डेट आपका रिविजन होता रहेगा साथ साथ एंड प्लीज जब भी क्लास में आते हैं नो रॉय इट्स नॉट घर पोर्ट इट्स नॉट घर ऐप इट इज अ ट्रैक चाइल्ड पोर्टल ऐप ठीक है so, सो अब अगली क्लास में आएंगे तो अच्छे से रिवाइज करके आए ताकि सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाए ठीक है थैंक यू की so let's start so the first news says ministry of housing and urban so the first news is of ministry of housing and urban affairs the first news says 729 districts out of 766 districts declared themselves as manual scavenging free. So first of all, what is manual scavenging? In this, basically, people manually clean the septic tanks and basically they clean the human excreta and other waste from the septic septic tanks or sewer. Okay. So government basically wants to eliminate this this practice of manual scavenging. Okay. So 729 districts out of 766 districts have declared themselves as manual scavenging free. Remember this fact. Okay. So under the swachh bharat mission urban, there's a component that talks about use water management. Thicke? with the help of this component, government basically wants to promote the mechanization of sewer and septic tank cleaning operation. Thicke? so this component also supports this, this, this aim of government of india to basically eliminate the practice of manual scavenging in the country. Thicke? and government has also launched. government basically provides central financial assistance for. सिंग मैन होल विद मशीन होल्ड ठीक है और इसके लिए जो सेंट्रल असिस्टम प्रोवाइड करतेमन कौन सा स्क्रीम में प्रोवाइड करती है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट ओ रिमेम्बर दिस फैक्ट ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाउ वी विल टॉक अबाउटियटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सो न्यूज सेनदयाल अंतोदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सो बेसिकली As the name of this mission suggests that livelihood mission. That with the help of this mission, Ministry of Rural Development wants to increase the sustainable livelihood opportunities for home, basically for the poor and marginalized in the country, so that the poverty rates in India reduce. Hai? So the news says that 9.98 crore women have been mobilized into 90.39 lakhs of self-help group. Hai? Remember this fact that 9.98 crore women ko humne mobilized 90.39 lakhs. सेल्फ हेल्प ग्रुप में ठीक है एंड हाईस्ट सेंट्रल एलोकेशन किसको मिला है आपके बार यूपी को मिला है एंड इट इज फॉलोड बाय बिहार एंड उड़ीसा रिमेंबर दिस फैक्ट दैट हाइएस्ट सेंट्रल एलोकेशन इज प्रोवाइडेड टू यूपी देन इट इज फॉलोड बाय बिहार एंड देन इट इज फॉलोड बाय उड़ीसा ठीक है एज आई टोल्ड यू This, the Indian and National Rural Livelihood Mission is of Ministry of Rural Development. With the help of this initiative, they want to reduce the poverty rates in the country. Okay, so this initiative was launched in 2011 by which ministry? By Ministry of Rural Development. Remember the fact that it is World Bank supported scheme. Okay. Next news is of Ministry of Health and Family Welfare. So that this news says update on Ayushman Bharat Digital Mission. So this news says that 52.5 crore ayushman bharat health account have been created so this is a news you have to remember this fact now this ayushman bharat health account is created under which scheme of government of india under ayushman bharat digital mission remember this fact that ayushman bharat health account is created under ayushman bharat digital mission and this Ayushman Bharat Health account is 14 digit unique health identifier number Remember this fact that it is a 14 digit number theke? Now why government wants to create this Ayushman Bharat Health account in the country Basically with the help of this Ayushman Bharat Health account Government wants to create a database of what? Of basically health records of every citizen of the country theke? Now the next news talks about 37 stop TV partnership voting board meeting held सो so, ये मीटिंग क्यों हो रही है ताकि हम डिस्कस करें कि हमने क्या इनिशिएटिव लिया है टीबी से रिलेटेड और हम हमारा कितना प्रोग्रेस चल रहा है टीबी को एलिमिनेट करने में कंट्री में ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो दिस मीटिंग वाज़ होस्टेड बाय यूएनओपीएस एंड इस मीटिंग में हमें ये पता लगा कि ग्लोबल टीबी इंसिडेंसेज जो है वो एट से कम हुए हैं बट जो इंडिया में टीबी इंसिडेंसेज है वो सिक्सटीन से कम हुए हैं सो इट इज अ great achievement for india and remember the fact that india has set a target to eliminate tb from the country by the end of 2025 this target you should remember because it can be asked in the exam okay so india wants to eliminate tb from the country by the end of 2025 okay now if you have any doubt then do mention in the comment box no doubt okay so let's move forward so the next news says national means come merit scholarship scheme so this is a merit scholarship scheme given by ministry of education to home basically to reduce उट इन क्लास एट बिकॉज क्या होता है कि काफी बच्चे जो होते क्लास सेवन के बाद ड्रॉपआउट कर लेते मतलब स्कूल छोड़ देते पढ़ाई छोड़ देते सो गेंट वॉन्ट टू बेसिकली एड्रेस दिस ड्रॉप आउट एट क्लास इलेवन सॉरी क्लास एट सो दैट गवर्मेंट है बस इसका गवर्मेंट ट्वेल्थ थाउजेंड रुपीज पर एनम देती है, है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कौन सी क्लास में देती है क्लास नाइन स्टूडेंट को देती है एंड इसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं क्लास टेन से ट्वेल्थ गिवन टू द मेरिटोरियस दूडेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनका जो पेरेंटल इनकम है इट शुड बी लेस देन थ्री पॉइंट फाइव लाख रुपीज पर एनम रिमेंबर दिस फैक्ट दैट पेरेंटल इनकम शुड बी लेस देन थ्री पॉइंट फाइव लाख रुपीज पर एनम ठीक है

इट इज गिवन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ नवोदया विद्यालय ठीक है रिमेंबर दैट इट इज गिवन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ नवोदया विद्यालय एंड दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है बेसिकली गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप सो दैट दे कैन स्टडी इन दे कैन स्टडी इन प्रीमियम हायर एजुकेशन ठीक है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक है एंड बेसिकली गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्मेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडर दिस इनिशिएटिव ठीक है विद्रो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी को पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट के कौन सेक्शन में आता है इट वॉज आस्ट इन द आरबीआई ग्रेड एग्जाम दैट्स यू प्लीज टेल मी इफ यू नो किसी को पता है नहीं पता किसी को चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं आई विल टेल यू ठीक है सो द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन इन द सेक्शन

भारत फौज एंड बिलियंस मिलिंडा गेट फाउंडेशन एंड विद्यांजलि फिनटेक प्लेटफॉर्म पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ठीक है नाउ नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेशन का एक ही प्लान है दैट दे वांट टू क्रिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज सिस्टम इन द कंट्री ठीक है बेसिकली हेल्प ऑफ दिस प्लान गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट वेरियस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट व्हाट लेवल एंड रिड्यूस द डैमेज ऑफ ग्रेन क्या होता है जब स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है प्रॉपर तो हम क्या होता है हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है जब जगह नहीं है तो हम उसको बारिश से धूप से मिट्टी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते वजह से क्या होता है डैमेज भी होता है वेस्टेज भी होता है ठीक है सो दट हाई गवर्नमेंट्स टू क्रिएट

नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद द सपोर्ट ऑफ नबार्ड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन रिमेंबर दिस फैक्ट दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड इसमें नबार्ड ने बोला है एज नबार्ड इज अ बैंक दैट प्रमोट्स डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर ठीक है सो नबार्ड ने बोला है कि हम आपको हाईली सब्सिडाइज लोन देंगे जस्ट 1% okay to basically to, to set up various agriculture infrastructure facilities okay now for for basically full capitalization for full utilization of this storage capacity mou has been signed between ministry of cooperation department of food and public distribution food corporation of india and national cooperative development corporation i know there are a lot of facts okay you just need to make some short notes out of it just revise those notes multiple times you will be able to recall in the examination so don't worry okay next news talks about situation assessment survey of agricultural household so this assessment is conducted by national sample survey office Ministry of stats and program implementation remember this fact ticket that this situation assessment survey is conducted by national sample survey office Ministry of stats and program ticket during NSS 77th round and this service says that average income of farmers has increased from 6426 rupees per month to 10000 rupees 218 rupees per month remember that it is their monthly income the न बी यूटिलाइज इन वेरियस क्वेश्चन ठीक है कोई भी क्वेश्चन से सेलेटेड है आप भी बोल सकते हो सिचुएशन, क्योंकि हम इसमें आप ये बता सकते हो कि क्या चैलेंज है फार्मर्स के लिए उनकी चैलेंज ये कि सबसे ज्यादा कि इनकम इतनी कम है वो कैसे सस्टेन करेंगे अपनी लाइफ में तो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ने बोला की फार्मर्स की इनकम सिर्फ और सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज टू हंड्रेड एटीन रुपीजी पर मंथ है ठीक है अगर आप स्टेटमेंट डालोगे तो ऑबियस इट विल एड वैल्यू टूर आंसर ठीक है नाउ नेक्स्ट न्यूज इज सिम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग so this system was launched by ministry of statistics and program implementation in 2018 remember this fact that this system of environmental economic accounting was launched by ministry of statistics and program implementation in 2018 on the recommendation of which committee on the recommendation of sir partha das gupta committee report remember this fact now what the system is all about basically this system wants to provide a common framework इंडिया बेसिकली टू फॉर वॉट बेसिकली टू ऑर्गेनाइज प्रेजेंट और शो द डेटा रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप विध इट इकॉनमीमी जो एनवायरमेंट है उसका इकोनॉमी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे वो हमें इस सिस्टम के थ्रू एक डेटा बेस मिल सकता है ठीक है दैट विल बेसिकली हेल्प गवर्नमेंट टू एस एस की ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना अचीवमेंट हमने कर लिया है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू आस्क देन वी विल मूव फॉर्व ठीक है Nobody has any doubt? Okay, let's move forward. So, the next news talks about this annual survey of industries so this is conducted by home ministry of Stats, statistics and program implementation. so there are a few facts that you have to remember. in this news, there is uh, no need of much explanation. you just have to uh, mug up these facts. so gross value added was grew by 8.8% in current, at current prices, and it grew by 26.6% in the year 2021-22 over the respective previous years. so remember this fact that gross value added grew by 26.6% in 2021-22 so industrial output also grew by 35% in 2021-22 and total estimated employment because of this sector was basically the total employment because of this sector grew by 7% thicke? remember this fact now the main drivers of this growth are industries like manufacture of basic metal coke and refined petroleum product फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल्स फूड प्रोडक्ट एंड केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट बेसिकली दीज इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल जीवीए ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है नाउ इन टर्म्स ऑफ जीवीए टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में गुजरात ने टॉप किया था उजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में गुजरात की पोजिशन सेकंड आई थी जिस, जिस साल गुजरात ने टॉप किया है उस साल महाराष्ट्र की सेकंड पोजिशन आई है एंड जिस साल गुजरात सेकंड पोजिशन में था that is, 2021, में, तो इस साल महाराष्ट्र ने टॉप किया है ठीक है एंड इट इज फॉलोड बाय तमिलनाडु कर्नाटका यूपी एंड दीज फाइव स्टेट बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल मैनुफेक्चरिंग जीवीए इन द कंट्री ठीक है नाउ टॉप फाइव स्टेट एम्प्लॉइंग हाइएस्ट नंबर ऑफ पर्सन

Supply मिलना चाहिए उनको एनवायरमेंटल को प्रिजर्वेशन करना है हमें पॉल्यूशन हेल्थ केयर एजुकेशन वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफ एज एंड डिफरेंटली एबल स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है सैनिटेशन पे काम करना है हाउसिंग पे काम करना है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना है ठीक है बहुत सारे हैं ठीक है यू जस्ट हैव टू Uh, read this multiple times. Okay, you will be able to rec recall in the exam. Just remember that at least 70% of the funds will be provided will be spent on high priority sectors, and the rest 30% will be on the other priority sectors like physical infrastructure, irrigation, energy, watershed development, etc. Okay. So, next news talks about share of MSME sector in the country. So, why I have just picked दीज टू स्टेटमेंट्स फॉर यू गाइज ठीक है बिकॉज इन नबार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन टू एग्जाम क्वेश्चन वॉज आज दट वट इज द एम एस एम ई कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया टोल एक्सपोर्ट So the question was this only, and the answer was 45% at that time also. So remember these facts. It can be utilized in your descriptive answer with respect to the MSME sector. And it can also be asked in your any objective question. So the MSME MSME contributes 29.15% to all India GDP and MSME contributes 45.83% in all India exports. Next news of Ministry of Labour and Employment. एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सो इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम इन विच एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है जो भी एम्प्लॉयर होगा वो 8.3 परसेंट ऑफ वेज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पेंशन के लिए इंडिविजुअल के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्मेंट प्रोवाइड करेंगे वन परसेंट एंड इन टू सेंट्रल गवर्मेंट बोला कि जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं वन परसेंट का वो तो है ही उसके साथ हम आपको थाउजेंड रुपीज पर मंथ का पेंशन भी प्रोवाइड करेंगे ठीक है रिमेम्बर दिस फैक्ट नाउ द नेक्स्ट न्यूज टॉक्स अबाउट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम बेसिकली एज दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर चाइल्ड लेबर्स बेसिकली गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम वॉन्ट्स टू रेस्क्यू दाइ चिल्ड्रन इन द एज नाइन टू फोर्टीन ईयर्स जिनको पढ़ना चाहिए पढ़ने के एज में वो क्या कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी रीजन ठीक है reasons, वो क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट बेसिकली रेस्क्यू दोस चिल्ड्रन एंड वॉन्ट टू प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग ठीक है सो डेट की उनका जो भी एजुकेशन लॉस हुआ है जो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी की जरूरत है गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर सके सो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइज दिज फैसिलिटीज टू चाइल्ड लेबर इन द्रुप ऑफ नाइन टू फोर्टीन ईयर्स रिमेंबर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है इसकी हमने सब्स्यूम कर दिया है अंडर समग्र शिक्षा अभियान ठीक है So the next news talks about. So the next news of Ministry of Jal Shakti, It talks about per capita water availability. Okay. So reassessment of water availability in India was conducted by Central Water Commission. First of all, remember this fact. That reassessment of water availability in India is conducted by whom? It is conducted by Central Water Commission. Okay. And according to this assessment, average annual per capita water availability in India in 2000. 2021 वाज 1486 क्यूबिक मीटर ठीक है एंड इन टू थाउजेंड इट विल बी ओनली 1367 क्यूबिक मीटर्स ठीक है तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि in India, किसने किया सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसके हिसाब से 2021 में हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है 1486 क्यूबिक मीटर एंड ट्वेंटी में ये कम होकर क्यूबिक हो जाएगा ठीक है एंड बर दिस फैक्ट एनी कंट्री जिसमें सेवनटीन हंड्रेड जिसमें सेवनटीन हंड्रेड क्यूबिक मीटर से कम वाटर होता है तो उस कंट्री को बेसिकली हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस कंट्री एंड जिसमें बिलो थाउजेंड क्यूबिक मीटर होता है उसको हम बोलते हैं वॉटर स्कैस कंडीशन वाटर स्कैसिटी कंट्री ठीक है वाटर स्ट्रेस यानी कि वाटर की कमी होना फील हो चुकी है वॉटर स्कैसिटी मतलब की अब वहां पर कमी हो चुकी है ठीक है नाउद नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ जल जीवन मिशन सो गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट how this scheme is going okay? so basically jal jeevan mission so this scheme is all about jal jeevan that basically this scheme is of ministry of jal shakti under this scheme government wants to provide the functional tap water connection to each and every rural household of the country remember this fact that under the scheme government wants to provide the functional tap water connection

जनवरी हम कितने लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट ऑफ द रूरल हाउस हैव टैप वाटर सप्लाई इन देयर होम्स ठीक है रिमेंबर दिस फैक्ट दैट सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट ऑफ द रूरल हाउस हैव टैप वाटर सप्लाई इन देयर होम्स ठीक है सो लेट्स डिस्कस सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस स्कीम

55 liters per person per day of functional tap water connection to every rural household by which year by 2024 that is har ghar nal total outlay scheme is 3.60 lakh crore you can remember this fact this scheme is centrally sponsored scheme that means states and center will share the cost for the implementation of this initiative and remember this fact that up to two percent of the funds of states and uts they can basically use the 2% of the funds for water quality monitoring and surveillance activities. take next news is of ministry of civil aviation. so this news says 519 routes have been made operational under rcc rcs uran scheme. so what is this scheme? is what is the full form of this scheme? regional connectivity scheme uradeeshka arm nagarik. basically, with the help of this scheme, government wants to increase the connectivity Thicke? With the help of air transportation across India. Thicke? So this scheme was launched in 2016, and you have to remember this fact also that 519 routes have been operational. Thicke? This scheme was launched in 2016. Remember this fact? It is a scheme of Ministry of Civil Aviation. It will be implemented for a period of 10 years. Implementation authority, kaone? Airport Authority of India, and first flight is ki from Shimla to Delhi. Thicke? Now, if you have any doubt. Then please do mention in the comment box. Then we will start the phase one news, okay? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन अदरवाइज वी विल मूव टू द फेज वन न्यूज फेज वन न्यूज में कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आई विल जस्ट टेल यू द फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ठीक है एंड इतना परेशान नहीं होना जस्ट मेक फ्यू शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज दो नोट्स मल्टीपल टाइम्स यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम ठीक है ये जितने पी होते थे जब मेरा एग्जाम होता था आई यूज टू मेक जो भी वन मंथ के पी होते थे उसको आई यूज टू कवर इन ओनली थर्टी टू फोर्टी पेजेस ठीक है एंड आई यूज टू रिवाइज दो नोट्स मल्टीपल टाइम्स लाइक फोर और फाइव और सिक्स टाइम्स ठीक है सो so, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं जिसके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का पीडीएफ को डाउनलोड करिए आपको पिक कोर्स में कंपाइलेशन मिलेगा ठीक है पीडीएफ को डाउनलोड करिए उसमें आउटलाइन करिए उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिविजन रिमेंबर दिस फैक्ट ठीक है Okay, so let's move forward as you guys don't have any doubt. So the next news talks about steel production in in India. So Kitna steel produce 127.2 million tons, okay? which is an increase of 7.2 million tons. ticket okay? to increase the steel production in the country, government has launched the production link incentive scheme for specialty steel with a total outlay of 6322 crore rupees. Okay? Next news is I3C BRIC RCB PhD program. Basically, this program is for the biosciences. Okay? Under this program, we want to increase the uh, we want to increase research and development in the field of biosciences. Okay, it is launched by Regional Center for Biotechnology, Department of Biotechnology and IBRIC. Okay? Remember this fact that it is launched by Regional Center for Biotechnology DBT and IBRIC. Remember this fact. Okay? Next Next news talks about that best best green bond corporate award at the S A Triple Awards for sustainable finance was given to whom? It is given to R A C Limited. Remember this fact that best green award is given to the R A C Limited. Okay. So this is a bill. The public examination prevention of unfair means bill 2024. This bill is passed in the parliament. So basically, with the help of this, with, with the help of this bill, government wants to basically. इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो भी चीटिंग हो रही है ऑर्गेनाइज चीटिंग कराते हैं कितने लोग तो उसको गवर्नमेंट बेसिकली वॉन्ट्स टू प्रिवेंट दिस ठीक है गवर्नमेंट बेसिकली वॉन्ट्स टू प्रमोट कि हम मेरिट से ही एग्जाम निकाले ना कि ड्राइव से ठीक है सो फॉर दिस मिनिमम थ्री टू फाइव इन ऑफ इंप्रिजमेंट होगा चीटिंग को कम करने के लिए एंड जो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम में इज क्राइम ऑफ चीट में इन्वॉल्व है उनको झेलना पड़ेगा एंड मिनिमम फाइन देना पड़ेगा रुपीज वन कांबर सेवन किसके बारे में बात करता है इट बेसिकली वॉन्ट्स टू इंश्योर वेलफेयर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट रिमेंबर सो पीरियोडिक लेबल सर्वे

और फाइनेंशियल फॉर प्रोमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री ऑब्वियसली कल्चर की बात है तो किसकी स्कीम होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कितने कॉम्पोनेट है स्कीम के अंदर एट कॉम्पोनेट टोटल आउटले कितना है रूपीज थ्री फिफ्टी थ्री करोड़ एंड पीरियड कब तक इंप्लीमेंटेशन होगा फ्रॉ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू 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 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सोशल इंस्टीट्यूट द्वारका न्यू दिल्ली ठीक है सो स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है समीर ने बनाया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई एंड दिस टेक्नोलॉजी नाउ ट्रांसफर टू एम एस पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ठीक है सो एम साइन किया था डेंटल रजिस्टर इंडिया ने एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉर वर्पज बेसिकली फॉर ग्रेजुएट डेंटल किया है नेशनल डेंटल रजिस्टर अंडर विथ स्कीम अंडर नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन रिमेम्बर दिस फैक्ट ना फोर्टी थर्ड मीटिंग ऑफ द फूड फूड अथॉरिटी हुआ नाउ अर्ट फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नीड टू टेक द बी आई एस और एगमार्क सर्टिफिकेशन बट नाउ दिस नीड इज एलिमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट नाउ दे ओनली हैव टू टेक द एफ एस एस एफ एस एस ए आई सर्टिफिकेशन ठीक है सी सी आई देश Competition Commission of India has approved acquisition. So, 70% of the stake in Kotak Mahindra General Insurance Company Limited is acquired by whom? It is acquired by Zurich Insurance Company Limited. Remember this fact that 70% stake in Kotak Mahindra General Insurance Company is acquired by Zurich Insurance Company Limited. Okay? So, first, BIMSTEC Aquatic Championship. री वेरी इंपॉर्टेंट कहां पे होने वाला है इट विल बी हेल्ड एट डेली वेयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स ठीक है एंड कौन कौन से कॉम्पिटिशन जो होगा इट विल बी फॉर द पीपल ऑफ अंडर ट्वेंटी एज ठीक है एंड कैटेगरी क्या है स्विमिंग वॉटर पोलो एंड डाइविंग इवेंट्स ठीक है बिमस्टेक जो है इसमें कितनी कंट्रीज है सेवन कंट्रीज है फाइव फ्रॉम साउथ एशिया एंड टू फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया दैट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका एंड म्यांमार एंड थाईलैंड ठीक है नाउ इंडिया एजिंग रिपोर्ट टू थाउजेंड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज रीड दिस पॉइंट अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखिए ठीक है now national research foundation that is anusandhan research foundation so this foundation is established under anusandhan research foundation act kay? it is operationalized by whom department of science and technology basically with the help of this research foundation we want to uh, foster the research and development culture in the country and we want to strengthen the scientific temper in the country kay? now the next is Strengthening of interstate power transmission and distribution system in northeastern region. So remember this fact that Ministry of Power has implemented two projects. The first project is northeastern region power system improvement project for six states. Are these six states That is Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Nagaland. Next is scheme for strengthening of transmission and distribution system in in Arunachal Pradesh and Sikkim. Remember the the name of these states. सो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2020 रिमेंबर दिस फैक्ट कहां पे है इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में इसके ट्रेनिंग एकेडमिक्स कहां पे इंफाल मणिपुर में और पुणे महाराष्ट्र में ठीक है अर्बन फ्लडिंग को कम करने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन ने 2500

parliament that the bill is constitution jammu and kashmir scheduled tribes order amendment bill 2024 was passed so with the passing of this bill the communities of jammu Kashmir, the, these are the four communities of jammu kashmir that is pahadi ethnic group Padari tribes gadda brahmin and koli these are now these are now basically provided the scheduled tribe status in the country okay Next news is Samarth Center. So, Ministry of Heavy Industries, under its scheme of Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector, has set up the four smart centers. And these four smart centers are Center for Industry 4.0 Lab, Pune. Then, IITD AIA Foundation for Smart Manufacturing at IIT Delhi. Then, I 4.A at rate IIC Bengaluru. Then, Smart Manufacturing Demo and Development Cell at CMTI Bengaluru. Okay? So, the Great Indian Board. रिबूट रोड शो हेल्ड इट हेल्ड मुंबई रिमेम्बर दिस फैक्ट इट वॉज होस्टेड बाई होम इट वॉज होस्टेड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर विदोर्ट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक है इन द लास्ट क्लास वी टॉक अबाउट दाइस सो लेट्स टॉक अबाउट भारत आटा इट विल्सो इट विल बी सोल्ड बाई थ्री एजेंसी जो भारत राइस को भी सोल्ड करे थे भारत आटा को भी यही थ्री एजेंसी सोल्ड करेंगे दैट इज न फेड नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एंड केंद्रीय भंडार एट द प्राइस ऑफ ट्वेंटी सेवन रुपीज फिफ्टी पर के जी नाव भारत दाल भारत दाल में कौन सी दाल की बात करें चना दाल की ठीक है इट विल बी सोल्ड बाई दीज थ्री एजेंसीज ओनली दट इज नाफेड एस एस एनसीएफ एंड केंद्रीय भंडार एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज सिक्सटी रुपीज पर के जी पैक ठीक है फिफ्टी फाइव रुपीज पर केजी फॉर थर्टी के जी पैक विद अनियंस एट द रेट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव पर के जी ठीक है सो so, नंदनी एन इनिशिएटिव ऑफ होम इट इज इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है नंदनी सहकार बेसिकली विद हेल्प ऑफ दिस विद हेल्प ऑफ दिस स्कीम ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे वांट टू इंक्रीज द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द वुमेन कॉपरेटिव ठीक है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है आपको असिस्टेंट कब मिलेगा जब जब कोई भी क्या बोलते हैं टिव सोसाइटी के 50 50 परसेंट से काम कर रही होनी चाहिए फॉर न्यू एंड इनोवेटिव एक्टिविटीज के लिए एंड वन परसेंट इंटरेस्ट कन्वेंशन मिलेगा फॉर अदर एक्टिविटीज ठीक है फंड मिलेगा बेसिकली इसके अंदर सो दैट दे कैन प्रमोट द एंटरप्रनरशिप एक्टिविटीज अमंग द वुमेन ठीक है सो दिस स्वयं शक्ति सहकार योजना किसका है एनसीडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च हुआ है कहां पे लॉन्च हुआ है गोवा में किसका ये इंस्टीट्यूट ठीक है आजकल थोड़ी न्यूज ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहे हैं ठीक है ओके इफ यू हैनी डाउट डू मैं किसी को कोई डाउट है देन प्लीज डू मैंशन ओके स्टूडेंट्स इफ यू डोंट हैव डाउट देन डू रिवाइज द स्टफ दैट आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास ठीक है एंड क्योंकि अगले टेस्ट अगली क्लास में फिर से आपका क्या होने वाला है एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है ठीक है तो अच्छे से पढ़ के आइएगा ओके सो लेट्स एंड द सेशन हियर थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पेशेंट लिस्नर ठीक है आज की क्लास थोड़ी बड़ी थी बिकॉज न्यूज़ थोड़ी ज्यादा थी ठीक है ओके सो लेट्स फिनिश दिस क्लास हियर थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग